नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Students Paradise English Classes, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं स्पैक पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और राजस्थान के जिले बाड़मेर में मेरी ज्वाइन हुई है। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को एक खास मकसद से बनाया गया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, देश और पूरा जो संसार है महामारी कोरोना वायरस COVID-19 से पीड़ित है, तो जो अपने विद्यार्थी हैं उनको स्टडी में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये जो वीडियो है और आने वाले जितने भी जो वीडियोस हैं वो सब कक्षा 4-5 से लेकर 12वीं तक ग्रेजुएशन लेवल कंपटीशन लेवल सभी के लिए ये सब फायदेमंद रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे जितने भी जो वीडियोस आते हैं उनको आप गौर से देखिए और अच्छे से इनका मतलब मंथन कीजिए। अंग्रेजी ग्रामर पर साथ ही कक्षा 10 और 12 के लिए स्पेशल वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा। मेरे जो वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, फिर बेल आइकन दबाकर अपने जो नोटिफिकेशंस है वो प्राप्त करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं अंग्रेजी ग्रामर की, जिस पर पूरी इंग्लिश की हुई है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी का आधार है। अंग्रेजी सीखने के लिए अपने को पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद सीखना बहुत ही जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है दोस्तों? कोई भी जो वाक्य बनता है वो बहुत से शब्दों से मिलकर बनता है और उन शब्दों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडवर्ब होता है। तो ये जो भी होते हैं इन सब को अपन पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज अपन पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स, यहां पर पार्ट्स लिखना मैं भूल गया। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जो अपना शब्द भेद है वो 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। दोस्तों इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे और कंप्लीट जो अपनी अंग्रेजी है वो इन्हीं पर टिकी हुई है। इनसे ही मिलकर वाक्य बनते हैं और आगे अपन कुछ भी है वो अंग्रेजी में सीख सकते हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन बोले तो संज्ञा। देखो नाउन क्या होता है, नाउन सीखने के लिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए कि अपने आसपास जो भी चीजें हैं आप खुद हो, ये सब नाउन है। आपसे लेकर कोई टेबल है, कोई पेन है, कोई भी जो वस्तु जानवर जगह है वो सब नाउन होते हैं। हिंदी में आप जानते हो कि नाउन किसको कहते हैं, तो देखिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स, क्वालिटी ईटीसी कि नाउन है वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या कोई जगह होती है उसका, कोई भी जानवर है, अपनी जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटी कोई गुण होते हैं, इन सब का जो नाम है उसको अपन नाउन कहते हैं। नाउन जनरली 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन हैं जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्ति
व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है प्रोनाउन? देखिए, द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल ईटीसी, मतलब एक ऐसा नाम जो किसी विशेष व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को या किसी जानवर को दिया गया है उसको अपने प्रॉपर नाम कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं या आप सब अलग अलग हैं, कोई बॉयज है, कोई गर्ल्स है, कोई मैन है, कोई वुमन है, तो इन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जिस व्यक्ति को जो नाम दिया गया है उस नाम को अपन प्रॉपर नाम कहेंगे। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है तो मेरा जो नाम है नरेंद्र वो प्रॉपर नाम है। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमारे जो नाम है उसमें जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे किसी का नाम राकेश कुमार शर्मा है तो राकेश में आर कुमार का के और शर्मा का एस, ये तीनों लेटर्स हैं उसमें बड़े होंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। नॉट देखिए कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान में रखने योग्य बात है कि प्रॉपर नाउन है वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। जनरली अपन एक धारणा बनाकर रखते हैं कि वाक्य की शुरुआत है वो केवल बड़े अक्षर से होती है, बाकी सब अपने को छोटे अक्षरों में लिखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर नाउन चाहे वाक्य की शुरुआत में आए, चाहे मिडिल बीच में आए, चाहे एंड में आए, आखिर में आए, प्रॉपर नाउन हमेशा बड़े अक्षर में ही लिखा जाएगा। देखिए प्रॉपर नाउन के कुछ उदाहरण है कि किस किस को अपन प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे पीपल, पीपल ये कॉमन नाउन है, लोग हैं, खूब सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे किसी लड़के का नाम महेश है तो उस लड़के को जो नाम दिया गया है महेश, ये एम बड़े अक्षर से शुरू होगा और ये प्रॉपर नाम है। जैसे राम है, श्याम है, अनिता है, ऐसे ही आप सबके नाम, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके जो नाम है वो प्रॉपर नाम की श्रेणी में आते हैं। से आगे है कंट्रीज, मतलब देशों के नाम। इस संसार में जितने भी देश हैं उन सभी देशों को अपन प्रॉपर नाम की श्रेणी में लेते हैं। जैसे अपन इंडिया में लेते हैं तो अपना जो देश है इंडिया, ये देखो आई कैपिटल है, बड़े अक्षर से शुरू हो रहा है। अमेरिका ए कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, मतलब जितने भी देश हैं उन सबको अपन प्रॉपर नाम की श्रेणी में लेते हैं। फिर देखिए रिवर्स, रिवर्स मतलब नदियों। नदी शब्द है वो कॉमन नाउन है, लेकिन नदियों को जो नाम दिए गए हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे अपने गंगा नदी है तो गंगा नदी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगी, जी बड़े अक्षर से होती है। यमुना है, तापी है, नाइल मतलब जो नील नदी है मिस्र की, ये सभी जो नदियों के नाम है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। फिर है माउंटेन्स, माउंटेन्स में जैसे अरावली पर्वत है, हिमालय के बाद देखिए दोस्तों ओशन, ओशन बोल तो महासागर। संसार में ये जितने भी महासागर हैं उनके जो नाम है उनको अपन प्रॉपर नाम की श्रेणी में लेते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर। इन सभी के जो नाम है वो प्रॉपर नामों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद भी देखिए दोस्तों कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप। सात महाद्वीप है संसार में, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी के जो नाम है वो बड़े अक्षर से शुरू हो रहे हैं, इसको अपन प्रॉपर नाम की श्रेणी में ही ले। फिर देखिए डेज एंड मंथ्स, दिनों और महीनों के नाम। सप्ताह में सात दिन होते हैं, उन सब के जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये सब है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं कि उनको छोटे अक्षरों में लिख देते हैं तो वो गलत माना जाता है, इनकी शुरुआत हमेशा बड़े अक्षर से होती है। ऐसे ही मंथ्स नेम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब है अपने प्रॉपर नाम की श्रेणी में आते हैं। स्पेशल डे कोई विशेष दिन है, जैसे कि रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है,
मतलब प्रॉपर नाउन में जितने भी शब्द होते हैं ना वो हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ऐसे ही जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनको भी अपन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में लेते हैं। जैसे कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, कनॉट प्लेस है, ऐसे जितने भी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उन सबको अपन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में ले लें। दोस्तों ये प्रॉपर नाउन है, इसको अच्छे से आप सीखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयार कीजिए। स्टेट्स, सिटीज और प्लेसेस, मतलब जितने भी अपने जो राज्य हैं, अपने जो शहर हैं या कोई भी स्थान है उसको जो नाम दिया जाता है उसको भी अपन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में ही लेते हैं। जैसे राजस्थान, जितने भी अपने जो स्टेट हैं उन सब का जो नाम है कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, पंजाब, मुंबई, सूरत, हरियाणा, खचरियावास, ये जो भी अपने जो राज्य हैं, अपनी जो जगह है, इनका जो नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाम की श्रेणी में आता है। इसके बाद में देखिए फेस्टिवल, फेस्टिवल अपने कोई भी जो त्यौहार है त्यौहारों के जो नाम होते हैं वो भी प्रॉपर नाम की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ओणम, दुर्गाष्टमी, ऐसे ही नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता, यानी कि किसी भी देश में रहने वाले वहां के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको भी अपन प्रॉपर नाम की श्रेणी में लेंगे। जैसे इंडिया में रहने वालों को अपन कहते हैं इंडियन, मतलब भारतीय, इंडिया तो प्रॉपर नाम है ही, साथ ही साथ इंडिया में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको इंडियन कहते हैं, इंडियन जो वर्ड है ये भी प्रॉपर नाम है। ऐसे ही ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश, चाइनीज, फ्रेंच, थाईलैंड में रहने वालों को थाई, रशियन और डच, पोलैंड के निवासियों को कहते हैं। इस तरह से ये अपना प्रॉपर नाम कंप्लीट होता है। और जो अगला नाम है वो है कॉमन नाम, कॉमन नाउन, हिंदी में अपन इसको जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। कॉमन नाउन, ए नेम दैट इज कॉमन टू ऑल पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब एक ऐसा नाम जो सभी जो अपने लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं या जानवर हैं वो एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग से होनी चाहिए, उनको जो नेम दिया जाता है उसको अपन कॉमन नाम कहते हैं। एक ही प्रकार से या एक ही क्लास से, मतलब जैसे कोई आदमी है तो उसको अपन मैन कहेंगे, उसको अपन कोई जानवर का नाम नहीं दे सकते हैं, जैसे डॉग है वो नाम नहीं दे सकते। एनिमल्स में जो जितने भी डॉग होते हैं उन सबको डॉग नाम ही दिया जाता है, तो डॉग शब्द है वो कॉमन हो गया। ऐसे ही जो पीपल है उनमें जो लोग है जैसे मैन है, वुमन है, ये कॉमन शब्द हो गए। आदमियों को अपन मैन कहेंगे, औरतों को वुमन कहेंगे, तो ये शब्द कॉमन नाम की श्रेणी में आएंगे। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं जैसे पर्सन, पर्सन में व्यक्ति है, व्यक्तियों में जैसे मैन शब्द ये कॉमन नाम है, वुमन, बॉय, गर्ल, इन्फेंट मतलब शिशु, स्टूडेंट, विद्यार्थी, टीचर, डॉक्टर, पायलट, ये शब्द अपने कॉमन नाम है। जैसे कोई आदमी है, आदमी का नाम अपन ने रख दिया श्याम, तो ये जो श्याम शब्द है वो तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन ये जो मैन शब्द है उसको अपन कॉमन नाउन कहेंगे। ऐसे ही जो अलग अलग प्लेस है, स्थान है, जैसे फार्म, कोई फार्म हाउस वगैरह होते हैं, कोई खेत वगैरह है उसको अपन फार्म कहेंगे। मॉस्क, जितनी भी मस्जिद है उनको मॉस्क वर्ड दे दिया, मंदिर को टेंपल, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, विलेज, पोर्ट यानी बंदरगाह, हार्बर भी कहते हैं जिसको, स्टेट, राज्य, ये सभी स्थान हैं, इनके जो ये नाम है वो कॉमन है। ठीक है, आगे थिंग, थिंग वस्तुएं, जैसे साबुन, सॉप, बैग, शैम्पू, नोटबुक, शर्ट, ट्रेन, प्लेन, बस, पेंसिल, ये शब्द कॉमन नाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे ट्रेन है, कोई भी अपन ट्रेन शब्द है वो कॉमन है,
की श्रेणी में आता है। ऐसे ही कई एनिमल्स जानवर होते हैं बहुत प्रकार के, उन सबको जो नाम दिया गया है वो कॉमन नाम है। जैसे घोड़ा होता है हॉर्स, तो अपन एक घोड़े को तो हॉर्स कह देंगे और दूसरे को डंकी नहीं कह सकते, ये एक ही क्लास की बात हुई है ना। तो यहाँ पर अपन हॉर्स शब्द मतलब जितने भी जो हॉर्स हैं उन सब के लिए कॉमन शब्द अपने हॉर्स के। लेकिन हॉर्स को जैसे ही पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे महाराणा प्रताप का हॉर्स था उसको नाम चेतक दिया गया, तो यहाँ पर ये जो चेतक शब्द है इस घोड़े को नाम दिया गया है ये प्रॉपर नाम हो गया, बाकी हॉर्स जो वर्ड है वो कॉमन नाम रहा। ऐसे ही लॉयन है, गिजर्ड यानी चिपकली, सेंटीपीड जिसको कनखजूरा अपने मारवाड़ में कनशला जिसको बोलते हैं वो, कैंगरू, काऊ, डॉग, जिराफ ये शब्द क्या है कॉमन नाम की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अब एब्स्ट्रैक्ट नाम की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एमूर्त, जो दिखेगा नहीं, जिसको अपन केवल फील ही कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एनी एक्शन, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी और आर्ट या आइडिया ईटीसी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो किसी एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम होता है उसके नाम को, जैसे कोई फीलिंग होती है, कोई दशा या स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्थिति है, क्वालिटी या कोई आर्ट जिसके अपने सब्जेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, इनको जो नाम दिया गया है उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मानेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि वी कैन नॉट टच और सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही उनको देख सकते हैं, बिकॉज दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि उनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है। We can only feel them, हम उनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक्शन, एक्शन का मतलब कोई काम होता है, कोई जैसे क्रिया होती है उसको अपन जो नाम देते हैं उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे फ्लाई, फ्लाई वर्ब है, फ्लाई का मतलब उड़ना, ये एक तरह से एक्शन है, कोई काम है, इसको अपन ने नाम दिया है फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ान, फ्लाई से फ्लाइट बना ये नाम हो गया। जैसे लाफ्टर, लाफ, लाफ मतलब हंसना, ये एक क्रिया है, एक एक्शन है, इसका नाम दिया है हंसना, हंसी, तो वैसे ही लाफ्टर शब्द है ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मूवमेंट, मूव का मतलब चलना, हिलना डुलना, तो मूवमेंट आंदोलन, इसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अरेंजमेंट, ये अरेंज शब्द से बना है। ऐसे अपनी जो फीलिंग्स होती है जैसे काइंड शब्द है के आई एन डी, काइंड ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इससे काइंडनेस दयालुता बना है। ऐसे ही हैप्पी से हैप्पीनेस और प्लेजर आनंद। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्थिति या दशा, जैसे डेथ मौत, यूथ युवा, पॉवर्टी गरीबी, हेट नफरत। ऐसे ही क्वालिटी, क्वालिटी जैसे गुडनेस, बैडनेस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सभी जो विशेषताएं हैं इसको अपन पर्टिकुलरली किसी के गुण मान सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाम है, इनको अपन देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे गुडनेस है, कोई अच्छा ही है, भाई मेरे में अच्छा ही है, अच्छा ही को आप क्या टच कर सकते हो, उसको उसको देख सकते हो नहीं, उसको अपन केवल फील कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे लाफ्टर है, लाफ्टर का मतलब हंसी, जैसे मान लो मैं हंसता हूँ तो क्या आप मेरी हंसी को देख सकते हो, क्या उसको पकड़ सकते हो। अब आप बोलोगे कि देख तो सकते हैं, तो अरे हंसी को नहीं देखते आप, मेरे को हंसते हुए देख रहे हो, यदि आप इसको पकड़ने आओगे तो मेरा मुंह पकड़ में आ जाएगा, बाकी हंसी पकड़ने नहीं है। तो इसलिए ये जो लाफ्टर शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही आर्ट में अपन ले सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, अब उसको अपन फील करते हैं देखने के लिए, जैसे किसी ने यह पेंटिंग बना दी तो आप कहोगे मैं तो इसको देख रहा हूं, लेकिन आपने जो तो पिक्चर बनी है उसको देखा है, उसकी जो कला थी ना पेंटिंग, उसको आपने महसूस किया है। ऐसे ही म्यूजिक है, म्यूजिक को आप फील करते हो, महसूस करते हो सुनकर, ना उसको पकड़ नहीं सकते हो आप, जैसे फोन में गाने देख रहे हो तो आप उस फोन को ही पकड़ सकते हो, बाकी उस म्यूजिक को नहीं पकड़ सकते। ऐसे ही जो अपने सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट वगैरह है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाम में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और फिर इसके नोट्स बनाइए, फिर
मटेरियल है ये मैटर शब्द से बना है, मैटर यानी कि सब्सटेंस अर्थात पदार्थ। मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब मटेरियल नाउन एक ऐसा शब्द है जो उस पदार्थ के लिए काम में लिया जाता है जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं। जैसे लकड़ी से टेबल बनती है, लोहे से टेबल बनती है, तो यहां पर जिस लकड़ी से जो टेबल बनी है उस टेबल में जो माल लगा है, जो पदार्थ लगा है, उस लकड़ी को अपन क्या कहेंगे, मैटर अर्थात पदार्थ कहेंगे, उसको अपन मटेरियल नाउन कहेंगे। इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैटर, मैटर मतलब पदार्थ। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो मैटर पदार्थ है वो तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब ठोस, द्रव और गैस जो भी पदार्थ हैं वो अपने मटेरियल नाउन में आएंगे। सॉलिड में माने तो अपन जैसे ठोस धातुएं हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्ले यानी चूना, स्टोन, वुड, पत्थर, लकड़ी आदि, ये सब अपने सॉलिड में आते हैं, मटेरियल नाउन है। ऐसे ही लिक्विड में देखें तो अपन वाटर है, मिल्क है, कॉफी है, टी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो लिक्विड जो पदार्थ है वो अपन क्या करेंगे, इसको मटेरियल नाउन में मानेंगे। ऐसे ही गैस, गैस में जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा बहुत सारी जो गैसें हैं वो अपन किसमें, मटेरियल नाउन में मानेंगे। तो मटेरियल नाउन का सीधा सा हिसाब ये लगाना है कि जो तीन अपने पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें जो भी है वो सब मटेरियल नाउन में आएंगे। अगला और आखिरी नाउन है अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, अर्थात ये एक तरह से कोई समूह होगा, एक ग्रुप होगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए, द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, पर्संस, ईटीसी ऑफ वन स्पीसीज कंसीडर्ड, इसको डॉट लगा देते हैं, कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। मतलब मटेरियल, सॉरी, कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप, एक समूह को दिया जाने वाला नाम है। अब वो जो समूह है वो किन, पक्षियों का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, व्यक्तियों का भी हो सकता है। मतलब ऑफ वन स्पेसीज कंसीडर्ड एज वन, मतलब ये जो ग्रुप होगा वो किसी एक प्रजाति का होगा, उसको माना तो एक जाएगा लेकिन वो कंप्लीट पूरे को करेगा। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं उदाहरण के लिए, एन असेंबली ऑफ पीपल, लिसनर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स। यहां पर ये जो असेंबली शब्द है, ये जो असेंबली शब्द है, असेंबली किसको कहते हैं, मतलब लोगों का जो समूह है, या फिर लिसनर्स जो श्रोता है उनका जो समूह है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जो दल है उसको अपन असेंबली कह सकते हैं। यहां पर मान लो 10-20 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनका जो ग्रुप बना है, तो यहां पर पीपल एक स्पीसीज के हुए और उनका जो ग्रुप बना उसको अपन असेंबली कहते हैं, और इस असेंबली में ये जो जितने लोग थे वो पूरे आगे, कंप्लीट आगे। तो इसी से ये अपन सीख सकते हैं आराम से, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ए ट्रूप ऑफ, एक जो ट्रूप है वो किसका होता है, डांसर्स और आर्टिजंस। डांसर मतलब जो डांसर होते हैं और जो दस्तकार होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको अपन ट्रूप कह सकते हैं। ऐसे ही ए काउंसिल ऑफ, यानी कि जो मंत्री होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं या जो एडवाइजर्स होते हैं उनका जो समूह है उसको अपन काउंसिल कह सकते हैं, एक परिषद कह सकते हैं। ऐसे ही ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, जो भी एक्टर हैं, मर्चेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, इनका जो सामूहिक ग्रुप से जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको अपन कंपनी कह सकते हैं। ऐसे ही ए गैंग ऑफ, यानी कि ये जो
तो दिए गए हैं कि लोगों के समूह को इस नाम से अपन जानते हैं। और इधर देखिए ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस ट्रेवलर्स, यानी कि जो यात्री हैं या जो संगीतकार हैं उनका जो ग्रुप है और समूह है उसको अपन बैंड कह सकते हैं। ए पैनल ऑफ जजेस, जजों का जो समूह होता है उसको अपन पैनल कहते हैं। ए पैक ऑफ, पैक का मतलब कार्ड, टूल्स और नेल्स, यानी ताश की जो गड्डी होती है उसको अपन पैक कह सकते हैं। मूर्खों का जो समूह होता है उसको भी पैक कह सकते हैं। और नैव, नैव का मतलब होता है धूर्त, दुष्ट लोग, उनके ग्रुप को अपन पैक कह सकते हैं। ऐसे ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, ये बहुवचन है, इधर प्लूरल है सब, फ्लाइज, फ्लाई का मतलब मक्खियां, तो मक्खियों का जो समूह है उसको अपन स्वार्म कह सकते हैं। ऐसे मधुमक्खियां है, लॉकस्ट है जो टिड्डे वगैरह है उनको अपन स्वाम कह सकते हैं उनके ग्रुप को। ए लिटर ऑफ पपीज, किटन्स या पिगिंस, जो अपने पिल्ले हैं मतलब छोटे कुत्ते के जो कुटिया के जो बच्चे हैं उनको किटन्स, जो बिल्ली के बच्चे वगैरह जो छोटे बच्चे हैं वो पिगलिंग्स, सुअर के बच्चे हैं, उन सभी के समूह को अपन लिटर कह सकते हैं। ए हर्ड ऑफ स्वाइन, कैटल, डियर, एलिफेंट्स, यानी कि एलिफेंट हाथी है, डियर है, कैटल मवेशी है, स्वाइन सुअर है, इन सब के ग्रुप को अपन हर्ड कह सकते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शीप, गीज और कैमल्स, शीप भेड़, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही शीप होता है। गीज, ये गूज, GOOSE, उसका प्लूरल होता है GEES, गीज, कल हंस उसको अपन कहते हैं। कैमल्स जो ऊंटों का जो समूह है उसको अपन फ्लॉक कह सकते हैं। ऐसे ही पीकॉक्स जो मोर है उनके ग्रुप को अपन मस्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मस्टर। ऐसे ही ए कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट होती है दीमक, एंट्स, चींटियां और ऑर्डर कुतुबिला, इनके जो ग्रुप होते हैं समूह होता है उसको अपन कॉलोनी कहते हैं। ए ग्रे या स्करी ऑफ स्क्विरल्स, स्क्विरल होती है जो गिलहरी होती है ना उसको, उसके ग्रुप को अपन ग्रे या स्करी कह सकते हैं। ए हॉर्ड या मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं का जो ग्रुप होता है उसको अपन हॉर्ड या मर्डर कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपना जो नाउन का चैप्टर है, जो नाउन्स के काइंड्स हैं वो कंप्लीट हुई। पांच प्रकार के जो नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, एक्सट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल, ये नाउन अपन ने पढ़े हैं। नाउन का ये जो चैप्टर है इसको आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसके नोट्स तैयार करने हैं, और फिर भी यदि कोई बातचीत समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी में भले ही कमी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में जो कंटेंट्स हैं उनमें कोई कमी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पैक को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं।